हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक जेंट्स डिजाइन बनाएंगे जो बहुत ही सुंदर है और ये तिरछे तिरछे में बनता है। और इसको बनाने के लिए ये चार फंदे डिजाइन के और दो फंदे गैप के, कुल छह फंदे हैं, तो हमको छह छह के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे। और ये दो सिलाई का ही डिजाइन है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये डिजाइन हमारा किनारे आ गया है, तो अब नया लेयर शुरू करते हैं। तो ये किनारे का फंदा निकाल लेंगे और यहाँ पर ये दो सीधे बुनेंगे, दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे बुनेंगे। धागा नीचे करेंगे। अब हमारा डिजाइन यहाँ से शुरू होगा। तो ये चार फंदे हैं और चार के इधर किनारे से, ये चार फंदे के ये बीच से सिलाई लगा करके एक फंदा निकालेंगे, ये लूज फंदा निकालेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर यहीं से एक फंदा और निकालेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। ये फंदा जो निकाला जा रहा है ये बढ़ रहा है। फिर इसी होल से एक और फंदा निकालेंगे और ये एक फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर ये चौथा फंदा है, ये चौथा निकालेंगे फंदा इधर से और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। इस तरह से ये चार और चार आठ फंदे हो गए हैं। धागा ऊपर करेंगे, दो फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा नीचे और फिर ये चार फंदे के बगल से यहाँ से एक लूज फंदा निकालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर इसी होल से एक फंदा निकालेंगे, एक सीधा बुनेंगे। फिर इसी होल से एक और फंदा निकालेंगे, एक सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा निकालेंगे और एक सीधा बुनेंगे। धागा ऊपर करेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा नीचे। फिर इसी तरह जैसे इधर का बुने हैं, यहाँ इस होल से ये चार फंदे के बाद इस होल से यहाँ से एक फंदा निकाला, एक फंदा सीधा, एक फंदा फिर निकाला, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा निकाला, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा निकाला, एक फंदा सीधा। फिर धागा ऊपर करके दो फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर ये चार फंदे के बाद एक फंदा लूज फंदा निकालेंगे, एक सीधा बुनेंगे, एक और फंदा निकालेंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर फंदा निकालेंगे और एक सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा निकालेंगे, एक सीधा बुनेंगे। ये चार बार करना है हमको। धागा ऊपर करके ये दो फंदे उल्टा बुनेंगे, धागा नीचे और यहाँ पे ये किनारे, फिर नया फंदा, नया डिजाइन शुरू हो रहा है। तो यहाँ से फिर सिलाई लगा करके ये चार फंदे के बगल से एक फंदा निकालेंगे, लूज फंदा, एक सीधा बुनेंगे, एक फिर निकालेंगे, फिर एक सीधा, एक फंदा और निकालेंगे, फिर एक सीधा, फिर एक फंदा, ये चौथा फंदा है और फिर एक सीधा फंदा निकालेंगे और ये किनारे का फंदा सीधा बुनेंगे। और ये पहली सिलाई पूरी हो गई। अब उल्टी सिलाई में देखिए, ये किनारे का फंदा इसे निकाल लेंगे और ये जो चार फंदे बढ़े हैं इसको दो दो करके हम घटा देंगे, दो का एक एक, ये दो, ये तीन, ये चार, चार फंदे हम उल्टे बुन लिए तो ये हमारे घट के चार फंदे हो गए। ये धागा ऊपर ही रहेगा और ये दो फंदे उल्टे बुनेंगे और यहाँ दो का एक करेंगे। ये जो आठ फंदे चार चार बढ़े हैं तो इसको दो का एक कर लेंगे, एक, ये दो, ये तीन,
ये चार, और ये जो दो फंदे हैं इधर से, इसको हम इधर से भी उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह ये बाकी के फंदे दो का एक करके ये चार फंदे जो बड़े हुए हैं इसी को रिपीट करना है। तो इसको हम बना लेते हैं, फिर सीधे में डिजाइन को दिखाते हैं। देखिए यह डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह इसको रिपीट करते जाना है। अब ये डिजाइन यहाँ पे बनेगा, ये दो फंदे ये सीधे बुन के, और यहाँ पे ये चार फंदे हैं जो इस पे ये डिजाइन बनेगा। ये चार फंदे पे ये दो उल्टा रहेगा, फिर इस चार फंदे पे डिजाइन बनेगा। इसी तरह ये रिपीट होते जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।